नमस्ते सत श्री अकाल ते की हालचाल वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ हीरोस अमंग अस सूरज लामा जी वेलकम टू द शो। तो जनाब सूरज लामा जी की सक्सेस स्टोरी ये है कि ये 1992 में मुंबई आए थे। इन्होंने कुछ साल ड्राइविंग की और उसके बाद उन्होंने किया एक ऐसा काम जिसने उनको वो पहचान दिलाई जो आज उनकी है। तो आगे की जर्नी की बात करेंगे, सूरज लामा जी खुद है मेरे साथ। तो लामा साहब की जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही फैसिनेटिंग है और बहुत ही इंस्पायरिंग है। तो सर शुरू करते हैं, आपकी जर्नी आप ही की जबानी। सर मैंने यहाँ पे ऐसे बॉम्बे में ऐसे 92 से हूँ, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मोमोज का करूँगा करके। तो मैंने ये काफ़ी साल मैंने ऐसा ड्राइविंग किया, कम से कम मैंने 28-30 साल ऐसे मुंबई में ड्राइविंग किया। और मुझे ड्राइविंग करते करते मैंने अचानक हमारा मेरी वाइफ के साथ में एक दिन ऐसा बात हुआ, क्यों ना हम लोग मोमोज का शुरू करेंगे। तभी मोमोज का इतना जहाँ पे मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ पे था ही नहीं। और ऐसा मोमोज का फिर हमने ऐसा सोचा, तो फिर बाद में हमने फिर मैंने क्या किया, वो जो अपने पास में जूना बाइक था वो बाइक बेच के फिर मैंने साइकिल खरीदा, साइकिल में से ये चीज़ शुरू किया। तो आज मैं जो भी हूँ मैं खुश हूँ। तो सर आपने सोनाक्षी जी की भी ड्राइविंग की थी मैंने सुना है। हाँ जी, मैंने लास्ट जॉब मेरा वही था सोनाक्षी जी का ही। हाँ। तभी मैंने वहाँ पे ज़्यादा तो नहीं किया, कुछ 7-8 महीना कुछ जॉब किया हो। तो मैं वहाँ पे भी मतलब अच्छा एक मुझे मतलब वहाँ से मतलब कुछ सीखने को मिला। तो लास्ट जॉब है ना मेरा वही, मतलब वो छोड़ने के बाद भी मैं आज ना यहाँ पे हूँ, ये मोमोज का मैंने शुरू किया। मैंने उसके आगे मैंने कभी आज तक मैंने ड्राइविंग नहीं किया। तो सोनाक्षी जी मतलब आपके लिए भी लकी रही। हाँ जी वही मैं सोचता हूँ। तो सूरज लामा जी जैसे आपने बताया कि आप 1992 में दार्जिलिंग से बॉम्बे आए, फिर आपने ड्राइविंग की, सोनाक्षी जी की भी ड्राइविंग आपने की, फिर 2014 में आप मुझे बता रहे थे कि आपने ये अपना मोमोज का कारोबार शुरू किया। तो मैं पूछना चाहूँगा कि आपको सडनली फिर मोमोज का आइडिया कहाँ से आया? नहीं एक्चुअली क्या, मेरी वाइफ भी है ना बहुत अच्छा शेफ है, मतलब अच्छा कुक करते हैं, क्योंकि मेरा और बीबी का वही होता है कि मतलब वो मेरे लिए इतना अच्छा अच्छा खाना अच्छा बनाता है, मैं कभी तारीफ नहीं करता हूँ। तो मुझे उनका एक वो था, मतलब अच्छा वो था कि मतलब कुछ कर सकता है ऐसा मोमोज में, हम लोग कुछ कर सकता है। सर आपके जो मोमोज है वो मैंने आपकी मोमोज की बड़ी तारीफ सुनी है और मैंने सुना कि बड़े अच्छे हैं। सो आप बताइए कि सर आप ऐसा क्या क्या आपने किया या ऐसे क्या इन्ग्रीडियंट्स डाले कि आपके मोमोज इतने फेमस हो गए और सडनली आपको मोमोज की वजह से इतना फेम मिला? हाँ नहीं ये चीज़ तो मैंने पहले भी बताया था, और ये चीज़ जो है मेरी वाइफ ही करता है। और मेरी वाइफ का कैसा है, चटनी हो गया, मोमो हो गया, और मेरा अभी 6 साल हो गया, अभी 6 साल होने को आया, और मेरा सेम टेस्ट ही रहेगा क्योंकि मेरी वाइफ मेरे साथ में है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। कभी उनको अभी तो लॉकडाउन है तो मैं किधर लेके नहीं गया, तो उनको अच्छे से मैंने किधर से साथ में घूमने को गया, वो खुश होता है, तो मेरा क्वालिटी सेम टू सेम रहेगा फिर। तो आप यानी कि अपने सक्सेस का क्रेडिट अपनी वाइफ को देना चाहेंगे? हाँ जी पक्का सर, पक्का पक्का। अरे वाह, तो ये कहावत है कि बिहाइंड एवरी मैन देयर इज अ वेरी बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। तो ये सूरज लामा जी के बारे में भी ये बात सच साबित होती है। सो दिस इज सूरज लामा जीज ब्यूटिफुल प्लेस इन 7 Mangaluru, यू कैन हैव अ लुक अराउंड, इट्स अ स्मॉल येट कोजी प्लेस एंड वी आर शूटिंग इन द आफ्टरनून। सर आपका रेस्टोरेंट हमने देखा बड़ा शानदार है, आपको रेस्टोरेंट का आइडिया कहाँ से आया? नहीं सर मैंने ये चीज़ कैसे, मैंने पहले साइकिल में किया था, साइकिल में बहुत दिक्कत होता था कि मतलब जो भी मेरा जो कस्टमर है मतलब उनको खाने के लिए दिक्कत होता है, कभी चटनी गिर जाता था। तो मैंने आज सोचा था कि मैं ये डाइनिंग मेरा एक सपना जैसा था कि मैं ऐसा मतलब सबको कम्फर्टेबल से मैं बैठाऊँ आज, तो आज है आज मेरा ये मकसद पूरा हो गया। अरे वाह, तो इसलिए आज हम सूरज लामा जी को कवर कर रहे हैं क्योंकि यू नो वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, ये कहावत इनके लिए परफेक्ट फिट बैठती है। अगर आपके पास ड्रीम्स है और आप वो ड्रीम्स को चैनलाइज करते हैं पॉजिटिवली, सो यू कैन अचीव व्हाट ही हैज़। सो गाइस वी आर एट सूरज लामा जीज प्लेस एंड वी हैव अ ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स ओवर हियर एंड दे आर एंजॉयिंग सूरज लामा जीज मोमो। सो वी आस्क देम के व्हाट आर देयर फेवरेट मोमोज एंड उनको कैसा लगा। हाय दिस इज निशाद, आई जस्ट हैड चिकन चीज फ्राइड मोमोज and it was amazing. I mean I ordered again. I repeated the dish. So hey guys, myself Yash Tupkari and I am a regular customer over here. So usually I like having steam momos, apart from chicken steam momos in particular. Today I'm having chicken thoppa as such, and recently I discovered this place. I stay nearby only, so I'll give thumbs up to this place and it's like 5 out of 5 for me. So this is the place where the action happens. To ye aap dekh sakte hain और लामा जी इज़ इन चार्ज ओवर हियर, और ये वेज और नॉन वेज के अलग अलग यू नो सांचे हैं, स्टीमर्स हैं। ये वाला वेज मोमो का है पूरा, ये हमारा जितना भी वेज का है इसी में होता है।
और ये जैसे नॉन वेज का अलग है। अच्छा, अच्छा, और ये हमारा फ्राई भी अलग अलग ही होता है। अरे वाह, अरे जो ये पहले जब भी मेरा साइकिल में होता था बहुत दिक्कत होता, तो अभी इसके लिए यहाँ पे हर सुविधा है कि हाँ। मतलब जो वेज वाले के लिए सेपरेट है और जो ऐसे नॉन वेज वाले के लिए सेपरेट है। सर, जब आप फेमस फेमस लोगों की ड्राइविंग करते थे तो आपने कभी सोचा था आप इतने फेमस हो जाओगे? नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं था, मैंने कभी सोचा नहीं था, और मुझे सोचा नहीं है, बट अभी मुझे ऐसा अच्छा फील लग रहा है मुझे अभी तो। अम्मा जी, जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि लाइफ में हर किसी के बड़े सपने होते हैं कि हमको ये करना है, हमको वो भी करना है, लेकिन बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो थोड़ी सी मुसीबत आती है लाइफ में और बहुत जल्दी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, तो आपका तो काफ़ी लंबा लंबा सफ़र रहा, आपकी स्ट्रगल भी काफ़ी रही होगी आई एम श्योर, और आपने जर्नी काफ़ी अच्छे से तय की, तो आप कोई मैसेज देना चाहेंगे यंगस्टर्स को? हाँ, यंगस्टर को यही चीज़ है कि मतलब हार नहीं मानना चाहिए, उसको थोड़ा सा मतलब समस्या आता है क्योंकि ऊपर वाला समस्या देता है, जानबूझ के देता है कि कितना तक वो झेल पाता है, समस्या आते रहता है, लेकिन उसको ना जितना भी मतलब अपनी क्षमता होना चाहिए कि मैं हाँ ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, जितना वो सब चीज़ ऐसे करेंगे ऑटोमेटिक रास्ता क्लियर साफ एकदम आपको अच्छा रास्ता मिल जाएगा। फिर थे सूरज लामा जी हमारे साथ, तो इनकी एक ट्रू क्लासिक स्टोरी है अबाउट विल डिटर्मिनेशन, कि अगर आपके पास सपने हैं, अगर आपके पास विल पावर है, अगर आप अपने आप को चैनलाइज करें तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। सर, क्यों है कि नहीं? सही बात है सर। तो तब तक देखते रहिए, टेक केयर, स्लीप वेल, एंड प्लीज डू लाइक द चैनल, सब्सक्राइब, एंड सर प्लीज बोल दीजिए प्लीज ऐसा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अब तो कर लीजिए, अब तो लामा साहब ने भी बोल दिया। तब तक देखते रहिए, टेक केयर, स्लीप वेल, एंड डालियोस।